कोरोना के बढ़ते कदमों को थामने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कोरोना प्रभावित देश के 75 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। वहीं 31 मार्च तक देश भर में सभी यात्री रेलगाड़ियां, मेट्रो सेवाएं और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राज्य लॉकडाउन को गंभीरता से लागू करें, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी भेजी गई है कि जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, उनको छोड़कर एक तरह से पूरी लॉकडाउन की स्थिति रहे, उसका सख्ती से पालन किया जाए। जो लोग इस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और राज्यों के पास ये अधिकार है, जो एपिडेमीज एक्ट है उसके संबंध में, और भी कानूनी अधिकार है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने। अगर कोई जबरदस्ती, जबरन और बिना जरूरत के जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो बहुत सख्ती से, बेहद गंभीरता से सभी चीजों को लिया गया है, और निश्चित तौर पर ये हमारे और आपके सबकी भलाई के लिए है इन निर्देशों का पालन करना। जो पूरी स्थिति है उसमें पूरी दुनिया में एक ही चीज जो प्रभावी मानी गई है, जिन देशों में ये प्रयोग सफल रहा उसके आधार पर, वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है।